हेलो गाइस, कैसे हैं यार आप सब लोग। तो आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज भाई हम लोग यार करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की कुछ टॉप हॉरर सीड। और भाई ये सीड जो है मुझे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मिली थी। और ये दोनों भाई बहुत ही रेयर सीड हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। तो अरे यार, यहाँ पे तो मैं जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सीड है भाई, अपनी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो कि है यार 333। तो चलो भाई, हम अपनी फर्स्ट सीड पे यार आ चुके हैं। और भाई कहते हैं कि यार इस सीड पे अगर आप लोग जाओगे तो आपको भाई कुछ देर अच्छा लगेगा, वर्ल्ड मतलब नॉर्मल लगेगा, फिर भाई आपके साथ बहुत सारा अजीब से चीज़ें दिखने लगेंगी, बहुत अजीब चीज़ें होने लगेगी। और फिर अगर आप किसी विलेज में जाओगे ना, तो वहाँ के विलेजर भाई बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखेंगे। तो यार अभी तो वैसा ही हो रहा है, सब नॉर्मल दिख रहा है। तो चलो भाई इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जंगल वैन टाइप में यहाँ पे एक्सपोन हो चुका हूँ। तो देखते हैं थोड़ा आगे चल के। तो यहाँ पे भाई सीन में कट कर रहा हूँ। तो अब बहुत देर से यार मैं जंगल वायु में घूम के यार बाहर निकल चुका हूँ। और यार बहुत मतलब मुझे लगता है ना, लगभग 10 मिनट तो यहाँ पे हो चुकी है। और ये केव है भाई, नहीं मैं केम में वे में नहीं जा रहा भाई। तो थोड़ा यहाँ पे यार इधर गड्ढे हैं, और अभी तक मुझे कुछ भी यहाँ पे दिखा है। अब ओ रुको रुको, अरे कहाँ था वो जो पता ना, ये इस ग्लास इससे मैं जूम का भैया, मैं पास नहीं जा रहा। ओ यार ये तो ब्लड है, मतलब ये रेड स्टोन है, लेकिन हाँ माइनक्राफ्ट में ब्लड बना दिया जाता है। यहाँ पे रात होने लगी है। तो यार अभी इसी टाइम में रात होने होनी थी क्या? तो यार कोई बात नहीं भाई, मैं यार यहाँ पे क्रिएटिव में इस वजह से आया हूँ। भाई मैं मेरे पास नदर आई सोड भी है। ये क्या 3 हो गया? अब भाई चीज़ें यार गलत हो रही हैं। नहीं ओ यार अचानक ही दिन हो गया, वो क्या तेरा छोड़ो। ओ यहाँ पे भाई ये यहाँ से स्टार्ट है, और आसपास तो ये है भी नहीं इतना, थोड़ा सा ही क्या यार ये हॉरर सीट दिखाएंगे। तो एक सेकंड थोड़ा ओ माय गॉड, इधर भी है। ओ क्या यार, ये नहीं था अभी आया है मुझे। ओ भाई अपने आप ही हो रहा है क्या, पता नहीं, क्योंकि मुझे ओ माय गॉड एक और भाई। ओ भाई यहाँ पे लगता है कोई पीटता हुआ किसी को ले गया है। यार ये क्या लिखो, डाई। मुझे थोड़ा पास से डाई लिखा है वो। यार अब क्या करूं मैं, थोड़ा इधर जाके देखता हूँ। खैर उस साइड से तो मैं अभी अभी आया था। यहाँ पे डाई और यहाँ पे ब्लड है भाई, वो तेरी की। ओ माय गॉड, ओए बुड्ढे, अबे ये कहाँ से आ गया? हाँ ये अभी नहीं था, अबे ये कहाँ से आ गया? ओ भाई गाइस, यार मैंने अभी नीचे में इस ब्लड को देख रहा था, जैसे मैंने ऊपर देखा वो भाई मेरे सामने प्रकट हो गया। ओ नो, अब ओ शिट मैन। ओ भाई इधर कुछ है क्या? रुको इधर कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे सच में भाई बहुत क्रीपी चीज। ओ नहीं यहाँ पे तो भाई जैसे कुछ जादू टोना किया हो ऐसा लग रहा है मुझे। ओ नहीं रेड स्टोन टॉर्च, रेड स्टोन एक्टिव पड़ा। ये क्या बना है यहाँ पे, कुछ तो ये स्ट्रक्चर है। ओ नहीं यार ये कैसे है क्या है? और वो भाई वो विलेजर अपने आप कैसे स्पॉन हुआ? अगर आपने नहीं देखा तो भाई आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे भाई आगे भी रेड स्टोन टॉर्च और वो किसी का हेड है। शे वो तो स्टीव का हेड है, स्टीव बाबा। अरे स्टीव बाबा, यहाँ पे स्टीव बाबा का मुंडा रखा है। ये क्या रखा है, सॉरी यहाँ पे खाली दिस इज डेंजर सीट। अच्छा हमको सिखा दिया, ये तो हमें पता ही है ये डेंजर सीड है, ये बहुत ही मासूम सीड है ना गाइस, ये हमें जैसे बेवकूफ समझ रहा है। और ये क्या लिखा है, यू नाउ क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है हमारे साथ ऐसा होगा, हमारा मुंडा काट के यहाँ पे रख देगा। रैपट बजाऊंगा मैं भूत के।
आके तो देखे मेरे सामने कि डर भी बहुत लग रहा है, यहाँ पे आगे जा रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है जैसे मास वास कर दिया, लेकिन हॉरर सीढ़े तो भाई हल्के में नहीं लेना हमें कुछ भी। ये क्या है, अबे क्या लिख रहा है यहाँ पे, नो गो देयर, हमें इधर नहीं जाने को, मना कर रहा है इधर जाने को। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे डैशबोर्ड ऐसे बोर्ड खाली सा पड़ा हुआ है। और यार अभी यार तो हमें यहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी जाके थोड़ा देखते हैं। अगर याद आई कुछ क्रीप होगा तो भैया मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, क्यों मुझे नहीं जाना यहाँ पे। ओ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा यार, सीरियसली मैंने अच्छे से चाक मार लिया है। ये कितनी क्रीपी साउंड थी, लगता है मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। यहाँ पे रेड स्टोन के, ये यार रेड स्टोन एक्टिव, अरे चिकन कहाँ से आ गई, अरे भाई क्या है तू, मरने आई यार यहाँ से। और यार मैं इसको खोलूँ नहीं यार, जम इसके, ओ तेरी ये क्या, ये बाप रे बाप, यहाँ से भागो भैया। हाँ यार डाल, अबे मैं कहाँ से चढ़ूँ, ओ नहीं ओ तेरी, ओ भैया मैं कहाँ जाऊँ, अरे बाप रे मुझे बचा लो रे, अरे कोई है भैया मेरा हाथ खींचो, हाँ मेरे अपने हाथ ऊपर कर लिया, इसको तोड़ो जल्दी यहाँ से भागो। ओ यार वो कुछ सोल सोल सैंड के ऊपर यार हेड लगे हुए थे, ओ आगे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि रेड स्टोन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा आगे। ओ नहीं तो यार चलते हैं अपनी अगली सीट की तरफ। तो भाई अगली सीट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यार भाई ये देखो ब्लड है, इस सीट का नाम ब्लड, आपको सीड में सिंपली डाल लेना है। और भाई यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे भाई विलेज, जो भी विलेज आपको मिलेगा वो भाई उस विलेज के, मतलब उस विलेज के विलेजर्स दिन को तो एकदम नॉर्मल दिखेंगे कुछ इस टाइप से, लेकिन फिर वो भाई नाइट में कुछ इस टाइप से हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे स्केलेटन, जॉम्बी, आयरन कोलम सब कुछ भाई। और भाई वो मतलब मेरे कहने का मतलब है स्केलेटन, जॉम्बी और आयरन कोलम विलेजर सब भाई इस तरह का उनका सारा ऐसा समूह हो जाता है। यहाँ पे मैंने भाई मैप क्रिएट कर लेता है कि सॉरी कर लिया है। और यहाँ पे भाई फर्स्ट तो हमें यार यहाँ पे विलेज ढूंढना है, अगर विलेज ही नहीं मिलेगा तो इस सीड की जो है मतलब हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी। तो यार इस तरह का विलेजर तो भाई मैं यार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी विलेजर ना किसी यूट्यूब थंबनेल में देखा है, ना इंटरनेट, ना गूगल, ना कॉम, भाई कहीं भी नहीं मैंने ऐसा देखा किसी भी प्लेटफॉर्म वेबसाइट में ऐसा विलेजर का भाई मुंह कभी आया ही नहीं है। तो हो सकता है यार ये वर्क करे, बाकी मुझे लगता है ये 10 में से 3 या 4% 4.5% वर्क करने वाली है, क्योंकि मुझे इस पर ज़्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि ये भाई काफ़ी ज़्यादा, ये जो सीड है ना ये मुझे मतलब जैसे ही मैंने भाई गूगल पे डाला हॉरर सीड ऑफ माइनक्राफ्ट तो टॉप पे ये आई थी, लेकिन भाई गूगल बाबा भाई ओ ये यहाँ पे भाई इतने सारे फ्लावर्स हैं भाई, आज तक मैंने किसी भी बायोम में किसी भी वर्ल्ड में एक साथ एक ही जगह पे इतने सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स नहीं देखे। ये तो मुझे स्वीटी वर्ल्ड लग रहा है, हॉरर तो कम ही लग रहा है। यहाँ पे खैर मुझे जो है यहाँ पे कद्दू मिल गए हैं, तो हो सकता है भाई आसपास विलेज हो। और भाई वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई इस वर्ल्ड में आपको काफ़ी सारे विलेज मिल जाएंगे, और भाई सब विलेज में ये जो है सीड, मतलब ये जो हॉरर विलेजर का मुँह फट जाता है वो हर विलेजर और गोलम के साथ होता है। यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो बी भी यहाँ पे हैं, और ये माउंटेन्स, और यहाँ पे ट्रीज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन यार अब क्या बहुत ढूंढना पड़ेगा यार, अब कैसे इतना होगा। अभी यही है वो पैगविन, सॉरी पैगविन नहीं यार कद्दू, पैगविन बोल रहा हूँ मैं। तो यार इधर साइड हो सकता है विलेज, यहाँ पे भाई छोटी मोटी केव्स बनी हुई हैं, लेकिन केस में कौन सा विलेज होगा। और भाई ये वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि भाई ये वर्ल्ड वैसे कोई हॉरर नहीं है, बस यहाँ पे विलेज और ये जो विलेजेस है ना भाई हॉरर रहते हैं। लेकिन वो वहाँ पे एक और बात लिखी थी कि वो विलेजर हमें हार्म नहीं करते, लेकिन अगर हम उन्हें भाई गलती से भी हमने उन्हें हिट कर दिया ना तो कुछ बिजली गिरती है भाई, वो पता नहीं क्या जंप स्केयर दे के भाई हमें मार देता है, मुँह पे स्क्रीन पे पूरे चिपक जाते हैं वो। और तो भाई उनसे सर्वाइवल में भी जाओ या ना जाओ ये तो मुझे नहीं, ओ विलेज मिल गया, ओ
ओ भाई मैं उधर जाने वाला था, अभी विलेज मिल चुका है। शायद मैंने विलेजर बोल दिया, विलेज मिला है, मुझे याद नहीं है। और यार यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, क्योंकि ये भाई डे है, लेकिन यहाँ पे नाइट में, यहाँ पे देखो सब विलेजर्स का जो है मुंह एकदम नॉर्मल है। और यहाँ पे अच्छा विलेज है यार, अच्छा बढ़िया गांव है, छोटा सा गोलम भी है यहाँ पे, और ये कुआं है इनका। यहाँ पे हर विलेजर का भाई अभी मुंह यार अच्छा है, फटा हुआ है, वैसा क्रीपी टाइप का नहीं हुआ है अभी, भाई अभी डे है। अब बाकी देखो कि यार ये वाली सीट काम करती है या फिर नहीं करती। वो वाली सीट हॉरर थी, लेकिन मैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं दिखा पाया। फाइनली यार यहाँ पे नाइट हो चुके हैं, और यार सब विलेजर्स जो है अपने अपने घर में जाने लगे हैं, और कोलम भी अपना काम कर रहा है। तो देखते हैं, क्रीपर है यहाँ पे, मैंने बेल एक और बार बजा दिया जिससे सब लोग भाई जल्दी जल्दी विलेजर चले जाएँ, क्या धीमे धीमे जा रहे हैं। ओए विलेजर एक तो बाहर निकल जाओ, लेकिन अब मैं कैसे बाहर पता लगाऊंगा कि विलेजर का मुंह क्रीपर होता है कि नहीं, वो तो मैं अंदर जाके पता लगाऊंगा। ओ ये देखो भाई यहाँ पे क्रीपर है, एक क्रीपर भाई, यहाँ पे जितने भी मॉब होते हैं वो नाइट को यार बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है, उनका मुंह भाई नीचे तक बहुत बड़ा सा हो जाता है। तो यार क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा टाइम ले रहा थोड़ा भाई, यार कब तक होगा? तो यार यहाँ पे होने वाला है, अब नचंदा मामा निकल आया है भाई, सब विलेजर यहाँ पे अपने घर में जा चुके हैं। अरे भैया कोलम भैया अपना चांदा सा मुखड़ा तो दिखा दो। अरे मैं उसने अब दिखा दिया हमें। ओ यार कब जाएगा ये? ओ तेरी सूरज भाई जल्दी चले जाओ यार, अरे मार दूंगा सूरत तेरा खोपड़े में, निकल जाए यहाँ से, जल्दी निकल ला ये ले। अरे भागो वरना वो हमें रिटर्न गिफ्ट ना दे दे। तो यहाँ पे भाई मैं विलेज में आ चुका हूँ, और देखते हैं यहाँ पे किस विलेज का सॉरी विलेजर का मुंह जो है गंदा होता है, क्रीपी मतलब। तो यार यहाँ पे भाई एक विलेजर है, और अब मैं यार इसको बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ। रुक जा बेड़ा, इधर दिखा अपना मुंडा ये, अरे तो भागने लगा। अरे भागो रे सब अपनी जान बचाओ, ये पागल प्लेयर हमें मार रहा है, पे फालतू में रैपटे पड़ जाएंगे तेरे कान के नीचे। अरे यार इस विलेजर को तो छोड़ो, ये तो मुझे पागल सा लग रहा है। और एक और विलेजर भाई घूम रहा है, वैसे यार विलेजर रात को तो नहीं घूमते, तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग रात में घूम रहे हैं? वो यार यहाँ पे ज़ॉम्बी और स्केलेटन भी आ चुके हैं, लेकिन किसी का भी मुंह यार क्रीपी नहीं है, अपना नॉर्मल ही है जैसा होता है। ये देखो भाई एक ज़ॉम्बी भाई साहब है जिसका हम टकला फोड़ने वाले हैं। अरे अरे इसका टकला चुक गया। ये भी यार ये मुझे सीट तो बेकार लग रही है, फालतू यहाँ पे कुछ भी यार मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्रीपी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। बाकी ओए विलेजर को जॉम्बी मार रहा है, इस जॉम्बी को मैं मार देता हूँ, क्योंकि भाई यार ये नन्हा विलेजर है, तो इस नन्हे विलेजर को तो हम बचा ही सकते थे, वरना अगर ये नहीं होता नन्हा विलेजर तो मैं अपनी AK-47 निकालता और फिर तो यार मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी विलेजर या फिर कोई भी मॉब यहाँ पे जो है क्रीपी सा उसका फेस बनने वाला है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है नाइट को हुए, और यहाँ पे कोई भी मॉब कोई भी विलेजर का जो है नहीं गोलम का भाई फेस क्रीपी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो लगता है भाई ये सीड फेक है बुरी तरीके से, लेकिन यार ये गूगल में मुझे मिली थी इतनी रिसर्च के बाद, मुझे लग रहा था कि भाई ये जो है रियल होगी, लेकिन यार ये पूरी तरीके से फेक है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, और इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ वीडियो लाइक कर देना, और लाइक के साथ और मेरी वीडियो को कर देना ये भी। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो, सो प्लीज सब सपा कर सरा कबर सबरा कराए सरा